आज समस्या ये है कि हम आप एकजुट नहीं है, उसका फायदा ये सरकार और ये सीनियर ले रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे, आज सरकार और जो सीनियर है एकजुट ना होने की वजह से उसका फायदा उठा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं दो पैसे की अपनी आमदनी कर रहे हैं, और जो व्यक्ति यहाँ पे चौथी या तीसरी या पांचवी रैंक का है वो धक्का खा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट निवेशक उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। सीनियर तो आया समझा के चला गया, और वो निवेशक उस सीनियर तक नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। एक लेटर के माध्यम से ये हम लोगों ने पूछा था कि जो पल्स कंपनी थी उसका जो मैगजीन थी या जो भी सर्कुलर आते थे उसमें हम लोगों को जो कार्यकर्ता बंधु थे उनको बहुत लुभावने वादे किए गए थे, है ना, कि आप इतने दिन काम करेंगे तो इतना मिलेगा, इतने दिन काम करेंगे तो ये होगा, आपको सैलरी भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी। ठीक, आज कंपनी बंद तो नहीं है, क्योंकि बंद अगर होती तो आज इंद्रप्रकाश बिल्डिंग जो 12 कंबर रोड न्यू दिल्ली में जो ऑफिस चल रहा है, एक डायरेक्टर हमारा बैठा हुआ है और लगभग 20 से 25 हमारे कर्मचारी आज भी काम वहां पे कर रहे हैं। तो निवेश जो हमने किया है उसका भुगतान तो सेबी के माध्यम से होगा, पर जो हमारा कार्यकर्ता था जिनका इधर 4 साल बर्बाद हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? कंपनी है ना, कंपनी सही है या गलत है? सरकार तो और अदालत तो कह रही है गलत है, काम क्यों बंद किया गया? क्यों सेबी ने कहा आप नया व्यापार बंद कर दीजिए, लेन देन बंद कर दीजिए? कहीं ना कहीं आप फॉल्ट थी ना, कहीं ना कहीं फॉल्ट थी, तो उसका भोग हम लोगों को क्यों भोगना पड़े जो कार्यकर्ता था, और जो कार्यकर्ता का दो पैसा आपके पास है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास है तभी तो आप ऑफिस खोल के वहां पे बैठे हुए हो। एक डायरेक्टर जिंदा है और आज भी भंगू साहब कहीं ना कहीं काम करवा रहे हैं अन्य प्रांतों में या अन्य कंपनियों में जो डायरेक्ट इंक्लूड आपसे नहीं है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है, उसका लाभ आपको मिल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, मर रहे हम और आप, पर कहने के लिए इसकी हिम्मत नहीं है हमारे और आपके पास। हमारा यही गुजारिश है कि एक किसान एग्रोटेक के नाम से सोसाइटी इस पल्स कंपनी के माध्यम से आई थी, बिटलसी भी तो आई थी, बिटलसी उसकी सर्विस सेंटर थी, मार्केटिंग कंपनी थी, पर जो हमने किसान में पैसा लगाया और जो सीनियर चाहे कानपुर के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, आज किसान के नाम पे कोई भी नाम लेना नहीं चाहता है। बीच में कुछ कर्मचारी आए हमारे पास, चपरासी जो रहे हैं गौर जी, आज भी उनके पास चाबी है और सामान है, सर्वर लेने आए थे, हमने कहा सर्वर बिल्कुल ना देना, जो भी है सारे सीनियरों को बुला के या सबके सामने दीजिएगा जो भी सामान, क्योंकि सर्वर में ही हमारा रिकॉर्ड यहाँ का है। क्या उन सीनियरों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? है क्या उन्होंने पता किया कि 50 करोड़ रुपए की जमीन अभी बेच दी गई? किसी को मालूम हुआ किसान की? राधे श्याम जो सीईओ था बिहार का, उसका निधन हो गया, किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि उसने बयाना लिया या जमीन बेची जो भी था 50 करोड़ रुपए के चक्कर में, कहो उसका मर्डर हुआ या जहर दिया गया, जो भी है जो लोगों ने बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि सीनियरों ने किया काम हमारे भलाई के लिए, पर अगर बुरा हुआ तो कम से कम साथ तो देना चाहिए। किसी को नहीं मालूम था कि ये दिन होंगे, हम उनका दोष नहीं देखते, पर अगर समय बुरा हो तो कम से कम साथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं अपनी बात ये
आपके माध्यम से उन सीनियरों तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसान सोसाइटी जो है उसकी लोकल में भी प्रॉपर्टी है, फतेहपुर में भी है, कानपुर में भी है, अन्य प्रांतों में, अन्य जिलों में भी है। तो हमारे यही एक गुजारिश है कि कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए कि कुछ तो जनता को राहत मिले, कहीं ना कहीं हमारा नाम जाए पेमेंट के नाम पर, क्योंकि कोई वो भी एक हमारा हिस्सा था, अंग था, क्योंकि 21 और 22 तारीख में जो पैसा यहाँ पे जमा हुआ कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट उस किसान सोसाइटी में भी गया था। 21 और 22 तारीख का बात, समस्या इस चीज की है जो आदमी आगे बढ़ता है चाहे वो घर हो और चाहे बाहर हो, उसको लोग बात घेरने लगते हैं, आदमी का हाथ नहीं पकड़ा जाता है, उसकी टांग पकड़ के पीछे किया जाता है, उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत जरूर करेंगे कि उसका पैर पकड़ के पीछे खींचेंगे ताकि वो साला गिर पड़े, इसलिए व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव हार गए, वो हारे वो जो कह रहे हैं, हम तो अपने आप में जीते हैं, हमें बहुत अपने आप में शांति है कि हमने मैदान में आए, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय भी देश की आबादी और कितने लोग चंद्रशेखर और भगत सिंह थे। तो जरूरी नहीं है कि हर घर में नंदलाल पैदा हो जाए, हम नहीं है, पर हमने एक हिम्मत अपनी जुटाई है, क्योंकि मैं पीड़ित था, क्योंकि विरोध करने का एक संविधान में ये भी है कि आप भी चुनाव लड़ सकते हो, क्योंकि आप भी दाल का पानी पीते हो जैसे वो नेता दाल का पानी पीते हैं। मैंने वो ही काम किया, हार जीत तो हमारे निवेशक भाइयों के हाथ में थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या बल थी, इतने बड़े कार्यकर्ता थे हम लोग, वो तो उनके हाथ में थी ना, तो हार हमारी हुई कि उनकी हुई, समस्या ये है। और आज गर्व है कि हमको 2234 वोट मिला, और जिन लोगों ने जीवन भर राजनीति करते रहे, एक पार्टी का नाम ले रहे हैं शिवपाल यादव जी की पार्टी, और जिसके महेंद्र सिंह यादव जुगैया वाले जो हैं वो जीवन भर नेतागिरी की है और सपा के जिला अध्यक्ष है, उनको 2000 वोट मिला, 2000 वोट मिला। और कई ऐसी और भी पार्टियां थी कि जिनको 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 700 वोट मिले, कई ऐसी पार्टियां थी, इनको तो 2234 वोट मिला। पर उन 2234 और अपने परिवार और अपने निवेशक और कार्यकर्ताओं के लिए हमको घर में बैठना नहीं है, पर अब जो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा तो पहले राय उसकी ली जाएगी, उसके बाद दूसरा हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये लगा, महसूस हुआ, ये मेरी पर्सनल राय है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया जिसका आज हमको ये भुगतान भुगतना पड़ा। सारे लोग राय दें, विचार करें और 2-3 कार्यक्रम बनाएंगे बहुत जल्द, जो लोग आए हैं एक्टिव रहे, और एक नया ग्रुप आज से ही बनाते हैं, जो ग्रुप थे काम खत्म कर दे रहे हैं, जो लोग भी आए हैं हमारा नंबर है, वो अभी से अभी हमें मैसेज करेंगे अपना नाम लिख के, ताकि हम उनको नए ग्रुप में जोड़े, और जो लोग पुराने ग्रुपों में थे और जो ग्रुप हैं उनको मैं समाप्त कर दूं। सबके नाम लिखे हो, इसलिए क्योंकि आज कुछ लोग कह रहे हैं हार गए, हारने के बाद में आज हम बहुत बड़े जीत में हैं। हरदम सदैव के लिए डीएम से लेकर एसडीएम से लेकर मुख्यमंत्री चुनाव आयोग तक के लेटर पे लेकर आ रहे हैं हमारे घर, और ताजीवन इस 17वीं लोकसभा में विकास त्रिपाठी का नाम छप गया। जब भी रिकॉर्ड खोला जाएगा तो चुनाव आयोग बताएगा नहीं, विकास त्रिपाठी चुनाव लड़े, और जीवन भर जब तक मैं हूँ तब तक पूर्व सांसद प्रत्याशी लिखने का अधिकार मिल गया हमको संविधान ने दे दिया है, और उस
लेटर पैड के माध्यम से। अब जो अभी आम आदमी बन के हम जाते थे, आप लोगों के सहयोग से एक पूर्व प्रत्याशी के नाम पर हमको वहां पे बैठाला जाएगा। नेतृत्व तो क्षमता बढ़ गई ना, तो आप ओरिजिनल लीडर बन गए, पावर आ गई। समस्या यहां पर ये है कि लोग बाग अपने ताकत और को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लुभावने वादों पे आ गए, 2000 रुपए के वादों पे आ गए, हिंदुत्व के वादों पे आ गए, देश के वादों पे आ गए। ऐसे कई मुद्दे थे जिसका ब्लैकमेल किया गया हमारे निवेशक भाइयों को और गुमराह कर दिया। लेकिन पैसा तो मिलना है, आवेदन तो चालू हो गए, मोदी जी ने चालू करा दिए। अब कहे की चिंता, विकास की पार्टी को नेता बनना चाहता है और नेता बनने के लिए वो सांसद का चुनाव लड़ रहा है। पैसा तो मिलने वाला है, मोदी जी ने देखिए, मोदी जी क्या 5 साल पहले नहीं थे? मोदी जी क्या 5 साल पहले नहीं थे? क्यों आवेदन किया चुनाव के समय? क्यों आवेदन किया जाती है? ये सोचने की बात है, इस पर विचार करने की बात थी, पर विचार नहीं किया। लोगों बागों का उस समय दिमाग फिर गया, कहते नहीं एक जादूगर आया है ना, क्योंकि हम भी तो पूछ सकते हैं, जैसे भाइयों बहनों पैसा मिल गया, मिला कि नहीं मिला, हम भी तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आवेदन तो हुआ, आवेदन किया और लोग बागों ने वोट भी किया, तो भाइयों बहनों पैसा मिल गया, मिला? हाँ भाई, जुमलेबाजी कब से होगी? आपको बता दें कि सांसद हमारे देवेंद्र सिंह भोले ने फिर अभी 5 दिन पहले बोल दिया है कि टोल प्लाजा इस बार माफ करवा दूंगा। पर है 2017 का जुमला अभी खत्म नहीं हो पाया था कि मैं फांसी की सजा मंजूर अगर मैं टोल ना माफ करा पाऊं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान पेपर में जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था और फिर अभी 5 दिन पहले इन्होंने एक पेपर में बोल दिया कि टोल प्लाजा माफ करवा के ही दम लूंगा। अपना मतलब 2024 में लोगे दम? मैं तो नहीं बताया, वो समय नहीं बताते हैं, मंदिर बनेगा कब बनेगा, पैसा मिलेगा तुम्हारा कब मिलेगा, किसी की बिटिया भागी जा रही, किसी की बिटिया मरी जा रही, एजेंट बेचारा फांसी लगा ले रहा, पेट्रोल डाल के मरे जा रहा है, उनसे मतलब नहीं है। अगर मतलब हमने बात की तो कहेंगे तुम यार इमरान खान के भेजे हुए आदमी हो, तुम आतंकवादी हो, साला ये झूठ कहता है, हम अपना पैसा ना मांगे इसलिए तुम आतंकवादी बना दिए जाओगे, ये है तानाशाह। पर है क्या कि गलती तो हम ही आपकी है ना, पूर्वो मत दे दिया, पूर्वो मत से कहीं बढ़कर दे दिया, पहले तो बियर के नशे में थे, अब शराब के नशे में हो गए, तो अब कहां सुनने वाले हैं। तो हमारा मतलब यही है कि जो हमारे अभी शुक्ला जी ने बोला कि जो 22 मई को हम लखनऊ में दे आए थे एक ज्ञापन के माध्यम से अपने लेटर पैड में 11-12 सवाल, तो वो सीबी से पूछे, उसके बाद में प्रधानमंत्री को भी नए सिरे से एक बार पुनः दे दिया जाए, पुनः दे दिया जाए कि शायद दिल बदल गया हो, क्योंकि केदारनाथ वो भी होके आए, हम भी होके आए हैं, शायद मिल जाए, दिल में दिल होता है कभी कभी, तरंगे मिल जाती हैं, तो वो रजिस्ट्री हम लोगों को करनी है, उसका लेटर हम एक ही दो दिन में आप लोगों को क्या मैटर जाना है वो लिख के भेजेंगे। उसके अलावा सारे सांसदों को पुनः एक बार दे दिया जाए, पुनः एक बार, नॉलेज में नहीं है जो प्रधानमंत्री का जो हम भेजेंगे वो साथ में लगा के संलग्न करके इनको दिया जाएगा। ये खबर प्रधानमंत्री तक भी पहुंच गई है और उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि जो अभी मैडम ने बताया कि कुछ निवेशक भाई पैसा नहीं देना चाहते हैं ऑनलाइन के लिए, उनके पास समस्या है और सत्य है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करा रहे हैं फ्री में आवेदन, पटवारी और लेखपालों की ड्यूटी लगाई कि गांव गांव जाके निवेशक भाई कितने हैं, चिट फंडो कंपनियों में कितने निवेशक हैं उनको ढूंढा जा रहा है, हर सप्ताह इस कंपनियों की वजह से वो मीटिंग ले रहे हैं,
ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं किसी पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की और मुख्यमंत्री की बड़ाई कर रहा हूँ। हर जिले में होना चाहिए, हर प्रदेश में ऐसा होना चाहिए। ये हमारे योगी जी को भी सोचना चाहिए, उन पेपरों की कटिंग संलग्न करके उनको देंगे। इसके लिए तैयारी, थोड़ा पानी एक दो गिर जाए क्योंकि गर्मी उनके भी, क्योंकि हमारे तो बाल भी है, उनके तो बाल भी नहीं इस समय सुबह के नहीं, तो थोड़ा ठंडा भी हो जाए, है ना, क्योंकि ये नहीं इस समय एक और टेंशन में है, एक हेमन हम कहावत है ना कि किसी का कहते ना किसी का काम दूसरे के ऊपर उतर जाए, पहुंच जाए हम लोग तो थोड़ा पहले ठंडा हो जाए। हमारे पास कार्ड भी आ गया है और मिश्रा जी ने भी कल भेज दिया था, तो कई जगह से कार्ड आ गया कि योगी जी और हेमा जी की शादी का है, तो इसलिए दो चार दिन अभी थोड़ा ठंडा हो गया माहौल, उसके बाद में क्योंकि हमारा मानसून आ गया है, केरल आ गया है, एक दो दिन बाद है ना थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद में यहाँ के तैयारी ये तीन चार दिन हो गए की जाएगी। घबराने की हिम्मत हारने की बात नहीं है, मैं नहीं आ रहा हूँ, उलझन में था, एक सप्ताह बाबा के दर्शन करके आए, काम खत्म हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है ना। तो सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा, जो लोग नहीं आए उनसे भी अच्छा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आने वाले वक्त में वो आएंगे, अब आएंगे, क्योंकि अब जो होगी वो जीरो चैनल वाले के माध्यम से आगे की लड़ाई होगी, लीगल नोटिस उनको पहुंचाई जाएगी और डीएम और एसडीएम से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक और यहाँ तक भंगू साहब तक ये लीगल नोटिस जाएगी। पर अभी हम इसलिए नहीं बढ़ना चाहते हैं क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसका हाथ ना पकड़ के उसका पैर पकड़ा जाता है, इसलिए अब आगे आप जब चलोगे हम आपके बगल में चलेंगे। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी।